हेलीकॉप्टर्स, बहुत नीचे नीचे परवाजें हैं और बहुत ढेर सारे गुजर चुके हैं, काफ़ी हेलीकॉप्टर गुजर चुके हैं आज। यहाँ हमारे पास हेलीपैड भी है तो इसलिए हेलीकॉप्टर्स जो है ना यहाँ से बहुत करीब होके गुजरते हैं, नीचे नीचे परवाजें होती हैं इनकी। तो आज सुबह से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं हेलीकॉप्टर, तो गर्मी भी आज है कुछ पिछले दिनों से थोड़ी सी ज़्यादा, और महकमा मौसमियात की पेशेंट गोई आंधी और बारिश की है, लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई आसार नहीं है। गर्मी काफ़ी आज हो रही है, देख सकते हैं आप, पौधे भी मुरझाए मुरझाए से हैं बेचारे। और अबू बकर भी हैं साथ खड़े हुए, क्या कर रहे हो? और आप जो है चलते हैं किचन में, देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बनाया जाए, लेकिन फिर बच्चों ने कहा कि दाल चावल बना लिए जाएं, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में अच्छे लगते हैं दाल चावल। तो मैंने सोचा चलें दाल चावल बनाते हैं, तो चलिए आइए किचन में चलते हैं। अच्छा जी, तो मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। एक पाव दाल ली है मैंने, इसको तकरीबन 3 गिलास पानी में मैंने रख दिया है उबलने के लिए। एक टमाटर डाला है छोटा सा, 1 चम्मच मैंने घी डाला है ताकि ये उबल के बाहर ना आए, टेस्ट भी अच्छा हो जाए। और मैंने एक छोटी सी प्याज, बिल्कुल छोटी सी इतनी सी प्याज जो है ना वो मैंने इसमें काट के डाल दी है। अब जो मैं मसाले इसमें डालूंगी, उसमें हसबे जायका नमक मैंने फिलहाल 1 चाय का चम्मच लिया है, आधी चाय के चम्मच हल्दी ली है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप अपनी मर्जी से लें, आधी चाय के चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च है, थोड़ी सी कलौंजी ली है चुटकी। और ये कलौंजी जो है ये बहुत अच्छी है, मैं इसके बारे में आपको एक बात और बता दूँ, हदीस में है कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी के लिए शिफा है, ठीक है ना। तो आपने ये करना है कि आपने सुबह को तकरीबन 7 दाने कलौंजी चबा कर खाली पेट जो है वो खा लेने हैं, तो इंशाल्लाह आप हर किसी वबा से बीमारी से महफूज रहेंगे, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने हमारे नबी ने फरमा दिया, तो इसलिए ये हमारे लिए जो हो गया इसमें कोई शक नहीं रहा। फिर तो लहसुन भी है जी, इसको छोटा छोटा मैंने काट लिया है, तो मैं इसमें डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तमाम मसाले चले गए। अब आपने क्या करना है, अब इसको ढक देना है 10 मिनट के लिए, कुकर को बंद करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक चावल साफ़ करती हूँ जी। चावल मैंने धो के ना 2 कप और भिगो दिए हैं साफ़ करके, और यहाँ पर चावलों के लिए मैंने पानी भी रख दिया है, नमक डाल दिया है, पानी बॉयल होता है, फिर मैं चावल डालती हूँ। और कुकर भी हमारा जो है वो चल रहा है, 10 मिनट बाद मिलने से जो था वो बॉयल हो गया था, तो मैंने चावल डाल दिए हैं इसमें। अब ये चावल जो है वो बॉयल हो जाएंगे, और कुकर को भी मैंने बंद कर दिया है, अभी खोलते हैं। दाल जो है ना वो हमारी तैयार है, कुकर मैंने खोल लिया 10 मिनट बाद, देखिए माशाल्लाह बहुत घुली घुली सी दाल बनी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे अब तड़का लगाते हैं। अच्छा जी, घी गर्म होने के लिए रखा है, तो इसमें मैं डालती हूँ प्याज बिल्कुल थोड़ी सी, और लहसुन छोटे छोटे से चॉप हुए हुए लहसुन डालूंगी इसमें मैं, हल्का सा ब्राउन करते हैं जी। ब्राउन हमारी दोनों चीज़ें, तो यहाँ पर दाल में ना मैंने पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 चाय के चम्मच जो है वो छिड़क दिया है, इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे, इससे खुशबू और जायका जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसको हिला लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये अच्छा सा हो जाए तमाम जगह से इक्वल। अब हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, इससे जो है ना इसकी खुशबू जायका तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो तैयार है तकरीबन तड़का, अब हम लगाएंगे इसको, और ये देखें ऐसे, ताकि घी उड़े ना, थोड़ा सा इसके ऊपर रख दें। तो जी तैयार है हमारी दाल, और चावल भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हैं, तो बताती हूँ मैं आपको फाइनल जी। खाने लगे हैं जी अबू बकर साहब जो हैं वो दाल चावल। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियो को स्किप ना करा करें, एंड तक देखा करें। और आपने मुझे फीडबैक में बताना है वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।